अरे गुरु कार्य नहीं हो पा रहा है। गुरु कार्य क्या क्या है बताइए। एक तो है आप चर्चा करना, उसी को एक गुरु कार्य समझते हैं, बाकी किसी को तो हम लोग समझते नहीं, क्योंकि उसमें मजा आता है दूसरों को समझाने में, आदमी सुख अनुभूति अनुभव करता है, अच्छा लगता है। साले को समझाए बड़ी उठ रहा था, शिव शिष्य बनाए और शिव शिष्य को किसी शिव शिष्य को समझा रहे हैं, बोले कि हाँ साले हम सीनियर हैं ना तो समझाए ना साले को। तो देखिए आत्म संतुष्टि होती है, आत्म तुष्टि होती है, और यह अहंकार का द्योतक है, ये अहम भाव का द्योतक है, ये मैंपन का द्योतक है, ये मैं आपका मजबूत हो रहा है इसका द्योतक है जो आध्यात्म में बाधक हो। तो शिव चर्चा केवल करना गुरु का कार्य थोड़ी है, अरे उनसे दया मांगी जानी चाहिए, फोन पर लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वो शिव की ओर चलें, उनको प्रणाम करना चाहिए, नमः शिवाय आपको दिया गया है प्रणाम करिए, प्रणाम में बोलने की जरूरत नहीं है, दया मांगने में बोलने की जरूरत नहीं है, और फोन पर और अदर जो माध्यम है आपके इलेक्ट्रॉनिक उस पर तो समझाया जा ही सकता है ना, अपने रिलेशन को समझाइए। चर्चा हो रही, अभी साप्ताहिक चर्चा की बात चल रही थी कि लोग घरों में बैठ के पलंग पर गुरु चर्चा कर रहे हैं चश्मा पहन के, बाकी गुरु मारे नीचे बैठे हुए। एक आदमी ने मुझको तस्वीर भी दिखलाई एक जिले की, असी बहुत अपने को सीनियर मोस्ट कहने वाले उस जिले के शिव शिष्य हैं, उस साल कहाँ से सीनियर मोस्ट हो गए हमको समझ ही नहीं आ रहा, जब आचरण ऐसा है। ये गुरु चर्चा है, गुरु चर्चा का मजाक, तो गुरु चर्चा ही गुरु भाव है, गुरु का कार्य है, शिव का कार्य मात्र गुरु चर्चा करना है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। अरे शिव से लोगों को जोड़ना है ये गुरु चर्चा के माध्यम से होगा, ऐसा तो नहीं, कई माध्यम है ये समझाए जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा मत कहिए कि गुरु चर्चा कैसे होगी, गुरु चर्चा के अन्य माध्यम है, तीन सूत्रों में गुरु चर्चा एक सूत्र है, बाकी दो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। गुरु चर्चा आपको अहंकार में डालेगी भी, लेकिन ये पहला और तीसरा सूत्र दया मांगना और गुरु को प्रणाम करना, ये आपके अहंकार को शमित करता है, नीचे ले जाता है और हम में आप में आध्यात्म को जगाता है। डू इट, इसको करिए। मेरे पड़ोस में कोई बीमार हो गया या मेरे घर में कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो गया है तो क्या उसके लिए दया मांगी जा सकती है? दूसरों के लिए अगर दया मांगी जा सकती है तो किस तरह? किस तरह भाई, दया मांगना है कोई तरीका, कोई स्पेशल डिजाइन है कि पांव ऊपर कर लेना मुड़ी नीचे कर लेना? दया मन की चीज है, मन मांगेगा, ऐसा थोड़ी है कि सिद्धासन लगा के दया मांगिएगा, पद्मासन लगा के दया मांगिएगा, लंबा लेट के दया मांगिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मन दया की याचना करेगा ना, दूसरों के लिए दया मांगी जा सकती है, लेकिन उसकी देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है, वो खुद भी अगर दया मांग सकता है तो बीच में आप उंगली कहाँ डालना उसको सिखाइए। उसके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जहां आप नहीं होंगे, तो ये दया उससे उसके द्वारा सीखी गई दया मांगने की प्रक्रिया उसको मदद करेगी। दया मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मांग सकते हैं, लेकिन क्यों उसको क्यों नहीं सिखलाते हैं? उसको भी सिखलाइए, कहीं कितनी देर आप उनके लिए दया मांगेंगे, उसका जीवन का अंतराल लंबा है ना। बहन मीलू है पाकुर झारखंड से, कि गुरु कार्य ईमानदारी से करने पर भी गुरु करी एवं हृदय विदारक परीक्षा क्यों लेते हैं? शिव गुरु के रूप में कोई परीक्षा नहीं लेते, शिव गुरु के रूप में कोई परीक्षा नहीं लेते, ले ही नहीं सकते, अगर लेंगे तो कोई उत्तीर्ण ही नहीं होगा, कोई पास ही नहीं करेगा। होता यह है ना कि हम लोगों के जो अपने कर्म हैं, स्वकर्म हैं, अपने कर्म हैं, वो इस जन्म के हो या पहले के जन्म को हो, वो स्वकर्म जो है हम लोगों के, वही जब क्रियामान या प्रारब्ध में बदलते हैं यानी फलित होने लगते हैं, हम ही लोगों के कर्म, हम लोगों के स्वकर्म, तो परेशानियां भी आती हैं, सुख भी आती हैं, सुख भी घातक हो सकता है आध्यात्म में, दुख भी घातक हो सकता है आध्यात्म में, बाधाएं दे सकता है, सुख तो बहुत देता है दुख कम देता है, लेकिन बाधक दोनों हो सकते हैं, सुविधाएं भी दे सकते हैं, मार्ग को प्रशस्त भी कर सकते हैं, दोनों स्थितियों में हमारे आपके कर्म फल है। गुरु की दया कहा जाता है, गुरु उपाय, शिव सूत्र में लिखा हुआ है गुरु उपाय, गुरु की दया उन स्वकर्मों के प्रतिफल में परिवर्तन करके आपको कम से कम
ट्रैक्टर पर नहीं चला के स्कॉर्पियो पर चलाती है ताकि जिंदगी के खराब गड्ढों में आपको चोट कम लगे। झर्क तो महसूस होगा कि गाड़ी सड़क खराब है, लेकिन आपको चोट कम लगेगी, दर्द कम होगा, शरीर में थकान कम हो जाएगी। तो वो हम लोग के स्वकर्म है। बड़ी ईमानदारी से भी महादेव के काम करते हैं आप, तो हमारे आपके स्वकर्म तो हैं। हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। उनकी दया ही उसको उसमें परिमार्जन करती है, परिवर्तन करती है। भाई पवन जी ने हुगली बंगाल से, साहब आपने कहा है मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, ये सहज प्रेम क्या है और क्या कोई दुर्लभ प्रेम भी है? सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है, हाँ मैंने कहा। सहज का अर्थ होता है स जोड़ ज, मैंने साथ में जो जन्मा हुआ है, यानी जो हमारे साथ पैदा हुआ है, यानी प्रेम तो हम लोगों के साथ पैदा होता है, माँ को करते हैं, पिता को करते हैं, घर को करते हैं, खिलौनों को करते हैं, प्रेम तो हम लोग का स्वाभाविक है, भय भी है स्वाभाविक। बहुत सारी वृत्तियाँ हैं जो जन्मजात हैं, वो पैदाइशी होती है, तो प्रेम भी है। प्रेम जो जगत की ओर चला है, खिलौने के लिए बच्चे मार कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं अपने ही सहोदर भाई से, जबकि पिता ने दोनों खरीद के दिया है, दोनों साथ था, दोनों देखे हुए, तब भी खिलौने के झगड़ा हो रहा। तो खिलौनों के लिए झगड़ा प्रेम का द्योतक है, आकर्षण का द्योतक है। यही आकर्षण और प्रेम अगर खुदा के प्रति हो जाए तो, शिव के प्रति हो जाए तो, बस यही सहज प्रेम से वो परमात्मा लब है। प्रेम के क्या कहिएगा, हथियार को शिव की ओर मोड़ो, परमात्मा की ओर करने की जरूरत नहीं है। प्रेम में खुद ही इतना बल होता है, आकर्षण होता है कि आपको खींच के ले ही जाएगा, उधर आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आसान नहीं है, ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है कि जगत से पारलौकिक जगत में ही शिव की ओर चला जाए, या आसान नहीं है। तो इसके लिए गुरु अच्छे मिल जाए तो वो आपके धीरे 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 घुमा देते हैं, वो टर्न करते हैं, स्टेयरिंग को बहुत स्लोली काटते हैं ईश्वर की ओर, ताकि आपका लौकिक जगत भी छीनी नहीं हो, परलौकिक जगत भी मिले, दोनों में एक समानांतरण, एक बैलेंस, एक सामंजस्य गुरु बनाते हैं। आप सबों को मेरा प्रणाम।